आज पश्चिमी चंपारण के खूबसूरत शहर बेतिया में एस्कुलेशन स्कूल के प्रांगण में संदीप श्रीवास्तव फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली पारिवारिक भोजपुरी फिल्म पिया के आंगन का शुभ मुहूर्त किया गया, जिसके निर्माता निर्देशक लेखक संदीप श्रीवास्तव, सह निर्माता अंशद यादव, गीत पवन शर्मा, संगीत अरविंद लाल यादव व शुभम सिन्हा, कोरियोग्राफर पवन कुमार हैं। इस मौके पर संदीप श्रीवास्तव फिल्म्स टीम की सराहना करते हुए अपने जमाने के दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक श्रीमान मिश्रा ने कहा कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री को एक पलड़े में और पश्चिमी चंपारण के कलाकारों की प्रतिभा को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो पूरा चंपारण मुंबई के ऊपर भारी पड़ जाएगा। इस अवसर पर भोजपुरी फिल्म के सदाबहार अभिनेता कहलाने वाले अविनाश शाही, गीतकार पवन शर्मा, अरविंद लाल यादव, चंपारण कॉमेडी किंग संजय ओझा, अविनाश पांडे फतेहपुरी, चुन्नू पांडे, गोलू, सौर्य कुमार, प्रकाश तिवारी बाबा, एसएस गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। ओम चंद्रम बंकन तंगन धारम तुगलाम देवता सुरसेश चंद्रम प्रतिग्रहतम श्री कलिंगन तंगन धारम तुगलाम देवता सुरसेश चंद्रम प्रतिग्रहतम मजा नहीं आ रहा है चंद्र में। ओम पानी का थोड़ा डालना प्लीज। बाबा बाबा हो गया हो गया तो ऐसा धरोहर आप लोगों के पास है और चंपारण, इसीलिए मैं कहा कि चंपारण फिल्म के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। हमारे यहाँ से बहुत उम्दा कलाकार पैदा हो रहे हैं। अविनाश शाही जी विगत 10 वर्षों से अपना परचम बंबई में जाकर लहरा रहे हैं, हमारे ही बीच के रहने वाले हैं। इन्होंने कई हिट पिक्चर दी, खुद संदीप जी के ही पिक्चर जो काफी सुपर डुपर हिट थी अपने समय में, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस आने वाली जो हम लोगों की पीढ़ी है वो हम लोगों के नाम को धूमिल करके अपना नाम हम लोगों से आगे करे, इसी कामना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत पहल। संदीप श्रीवास्तव फिल्म के बैनर तले बन रही फिल्म पिया के आंगन का आज मुहूर्त किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप सब दर्शकों का चेहता अभिनेता अविनाश शाही का सादर प्रणाम। आज हमारी फिल्म पिया के आंगन का शुभ मुहूर्त हुआ, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर संदीप श्रीवास्तव जी, इनके साथ मैं सबसे पहले सैया के साथ मड़ैया में किया था, इसके बाद अभी जस्ट कम्प्लीट किया हूँ सैया जी दिलो मांगे टू, और ये मूवी बेतिया में हमारे जो बेतिया के क्षेत्रीय कलाकार हैं सब मौजूद है यहाँ पे। बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों से मिल करके कि हमारे जो चंपारण की मिट्टी है उसकी एक परिभाषा और सुगंध से सम्मिलित हमारे कलाकार जो उत्साहित हैं। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो उभर के आएँ और उनको अच्छा मौका मिले और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है संदीप भाई की तरफ से। अभी बहुत सारे लोगों ने काम किया है संयंत्र दिलो मांगे टू में और इसमें भी कर रहे हैं। तो ये जो फिल्म है वो चंपारण और इसके अलावा और किन लोकेशन पे शूट की जाएगी? ये जो फिल्म है डिफरेंट तरीके की है, हॉरर है और फैमिली ड्रामा है, तो ये चंपारण में की जाएगी और हम लोग कुछ बाहर करेंगे देहरादून मसूरी डिफरेंट लोकेशन पर। इस फिल्म के संगीत जो अरविंद लाल यादव जी का है, अरविंद लाल यादव जी आप बताएंगे। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार लाल यादव की तरफ से। ये जो हमारी फिल्म है इसके पहले संदीप भैया के साथ लोग किए हैं सैया जी दिलवा मांगे लट्टू में, भी काफ़ी अच्छे करण फिर ये गाने हैं बड़े भैया मोहन शर्मा जी ने लिखे हैं, हमने फिल्म से सजाया है, कंपोज किया है। बिल्कुल फैमिली ड्रामा है, परिवारिक फिल्म है और गाने इसके साफ सुथरे हैं। पिया के आंगन इस फिल्म में आप निगेटिव किरदार कर रहे हैं, निगेटिव किरदार जो आप कर रहे हैं उसके स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको जब पढ़े तो आपको कैसा लगा?
जी सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरा आपका नाम, और जहाँ जैसा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा निगेटिव, तो सबसे बड़ी बात है कि खुशी की कि संदीप भैया जैसे डायरेक्टर और उनके प्रोडक्शन हाउस के तहत मुझे मौका मिल रहा है खुद की प्रतिभा को दिखाने का। तो संदीप भैया ने जब मौका रखा मेरे सामने कि निगेटिव और पॉजिटिव, तो मेरा दायरा ये था कि मैं खुद को दिखा सकूँ, साबित कर सकूँ। तो किरदार जो होता है, किरदार वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है मेरे लिए कि मैं खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। किरदार कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, और ये किरदार बिल्कुल ही जितना हीरो पावरफुल है फिल्म में, उतना ही पावरफुल ये किरदार भी है नेगेटिव, जो कि आजकल के यूथ की नेगेटिविटी को दिखाता है कि आज का यूथ कैसे नेगेटिव है और वो कितना इक्वली पावरफुल है हीरो के। तो किरदार बहुत ही सशक्त है कि हीरो से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि उनके बराबर का रोल लिखा गया होगा। तो बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अविनाश सर और संदीप भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत ही खुशी है मुझे और बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि ये मौका मिला है मुझे। दर्शक लोगों को प्रणाम करता नहीं, हम गीतकार पवन शर्मा पिक्चर जो किया मैं पूरा 8 गाना बाद पूरा पारिवारिक गाना बाद और अपना घर में परिवार में समाज में हर जगह सुन सकता है। जैसे पहले हम सयाई दिलवा मांगेले 2 लिखनी है, उसमें भी टोटल गाना हमारा है, और जमुना के कल्पना जी या फिर आलोक कुमार वगैरह सब लोग को बहुत ही अच्छा पिक्चर बना था। ये पिक्चर भी पूरा पारिवारिक पिक्चर पूरा भरोसा बाद बहुत अच्छा पिक्चर हुई, दर्शक लोगों का आशीर्वाद मिली